हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, आज एक डीजे सेटअप का मैं साउंड टेस्टिंग आपको दिखाऊंगा और इसमें कौन कौन सा एम्पलीफायर चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और ये सेटअप जो है हमारे बहुत ही अच्छे मित्र भाई राकेश का है और जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, नेम प्लेट लगा हुआ है आयुष डीजे। इसमें आपका 4 टॉप है 800 वाट का और आपका इसमें 1300 वाट का 2 बेस है SWX 1300 और नीचे का भी बेस जो है SWX 1300 है। सारे स्पीकर बेस के जो हैं वो आहूजा के 650 वाट के हैं और ऊपर में जो आप टॉप देख रहे हैं इसमें आपका 400 वाट का स्पीकर लगा हुआ है और इसमें एक स्पीकर जो है 400 वाट का है, B15400 मॉडल है PRDO का। इस प्रकार से इसमें 4 टॉप है और 80 वाट का एक HF लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, सेटअप अपना रेडी हो चुका है और एक बार मैं आपको साइड लुक दिखाना चाहूँगा। कुछ इस प्रकार से बेल्ट से टाइट किया गया है। चलिए आपको एम्पलीफायर दिखाता हूँ और इसका वायरिंग भी दिखाता हूँ। ये आप वायरिंग देख सकते हैं, JBL टाइप में आपका ये टॉप है और इस प्रकार से इसका वायरिंग किया गया है। हर टॉप जो है एक ही एम्पलीफायर में चल रहा है और एम्पलीफायर यूज़ किया गया है इसके लिए DJ 5000। 2 टॉप पर चैनल लगा हुआ है और अपना जो LX4500 है इसमें आपका आहूजा का जो SWX 1300 है, मैं आपको मॉडल दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों बेस जो है पर चैनल इस एम्पलीफायर में चल रहा है LX4500 में और अपना जो नीचे का बेस है उसमें भी 650 का ही बेस लगा हुआ है चारों स्पीकर जो है। तो इसके आउटपुट के बारे में आप जानते ही हैं, 4 ओम्स पे देता है 1400 वाट, तो इस पे 1300 वाट चल रहा है। और ये अपना जो एम्पलीफायर है ये 1550 वाट देता है 4 ओम्स पे और इसमें भी हमने 1300 वाट लोड दे रखा है। और ये जो एम्पलीफायर है 2 ओम्स पे देता है 2500 वाट पर चैनल और इसमें जो है 1600 वाट चल रहा है क्योंकि 2 ओम्स पे हमें हेडरूम छोड़ के चलाना चाहिए, इसीलिए हम इस पे 2 टॉप लगा रहे हैं एक जोन पे 800 वाट के, मतलब टोटल 900 वाट हो जाएगा HF करके। तो इस प्रकार से मैंने आपको टोटल वायरिंग समझा दिया इसका। और ये जो अपना 160 वाट का एम्पलीफायर है इस पे HF चल रहा है और HF का वायरिंग जो है टॉप से अलग निकाल रखा है, आप देख सकते हैं ये अपना HF का वायर है। तो सब बॉक्स में अलग से निकाल के रख लिया है, HF को कोई दिक्कत ना हो, आराम से हम इसमें फुल लोड पे चला सकते हैं इस एम्पलीफायर को। तो अपना जितना HF है वो इसी एम्पलीफायर पे चल रहा है। और ये अपना एक स्टेंजर का मिक्सर है, मॉडल नंबर है SM120E करके इसका मॉडल है स्टेंजर का, बहुत ही अच्छा मिक्सर है। और जनरेटर का कुछ सेटिंग कुछ इस प्रकार से है, ये जो अपना 10 KVA का महिंद्रा का जनरेटर है इस पे आपका एक 5000 वाट का एम्पलीफायर और दूसरा जो है अपना एक DJ 4000 ये चल रहा है। और जो ये 7.5 का जनरेटर है 7.5 KVA का, इसमें आपका LX4500 और वो जो 160 वाट का एम्पलीफायर है वो चल रहा है। इस प्रकार से जनरेटर का वायरिंग किया गया है। और दोस्तों, इसमें एक स्टेबलाइजर का भी यूज़ किया गया है, ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे रखा हुआ है। ये अपना डाची का स्टेबलाइजर यूज़ किया गया है 10 KVA का, बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजर है, हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा चलता है, लगभग हर DJ वाले इसको यूज़ करते हैं अपने एरिया में। और ये जो है अपना ये 10 KW के जनरेटर में चल रहा है, जो स्टूडियो मास्टर के एम्पलीफायर है उसके लिए यहाँ पर लगाया गया है इसको। तो आइए देख लेते हैं इसका साउंड टेस्टिंग। हेडफोन का यूज करिएगा ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, यह वीडियो मोबाइल से शूट किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस सेटअप में बहुत ही अच्छा बेस मिल रहा है और बेस का इफेक्ट तो आपको देख ही रहा होगा। ज्यादा बेस होने की वजह से मैं इस सेटअप के जब करीब था, मोबाइल का माइक जो है ज्यादा बेस होने की वजह से आपको थोड़ा सा साउंड में डिस्टर्ब देखने को मिलेगा इस वीडियो में, लेकिन मैं सामने में था, साउंड एकदम क्लियर है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं मोबाइल से रिकॉर्ड करते वक्त साउंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन साउंड एकदम क्लियर मिल रहा है, एकदम सॉलिड बेस मिल रहा है। जैसा कि आप 650 का बेस यूज कर रहे हैं वो भाई जानते ही हैं 650 का बेस कैसे मिलता है।
हेडफोन का यूज करिएगा ताकि क्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों ये देखा आपने डीजे सिस्टम का साउंड टेस्टिंग आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करना। और इस डीजे सेटअप से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट करना, उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ आपको। मैंने इसका सारा सेटअप का एम्पलीफायर दिखा दिया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, एम्पलीफायर है डीजे 4000, डीजे 5000 और LX 4500। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो डीजे 5000 ये एम्पलीफायर आपको मार्केट में 47000 के आसपास मिल जाएगा, आउजा डीलर से ही लें ताकि आपको सही प्राइस मिल सके। बात करें डीजे 4000 की तो ये एम्पलीफायर आपको 42000 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। और अपना जो LX 4500 है ये एम्पलीफायर आपको मार्केट में 43500 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगा, आउजा डीलर से ही लें। और अगर आप केवल 650 के स्पीकर लेना चाहते हैं तो ये आपको 9500 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आप SWX 1300TX लेना चाहते हैं ये बॉक्स का प्राइस जो है आपको 33000 रुपये पड़ेगा एक बॉक्स का। और बात करें मिक्सर की तो स्टेंजर का SM120E ये आपको 8500 के आसपास मार्केट में मिल जाएगा, स्टेंजर के डीलर से ही लें। और यही हम बात करें जैटर का, तो अगर आप एक 10 किलोवाट का जैटर ले रहे हैं लोकल मार्केट से तो आपको 50 से लेकर के 55000 के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आप विशाल भारत का लेते हैं तो आपको 55000 के अंदर में ही मिल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई सा भी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट करना इसकी क्वालिटी कैसी है ताकि हमारे दूसरे भाइयों को भी पता चले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।